नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड के सबसे बड़े YouTube न्यूज चैनल लाइव सीरीज को और मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी लगातार नामांकन कर रहे हैं, कहीं नामांकन का डेट खत्म हो चुका है तो कहीं विभिन्न चरणों को लेकर नामांकन जारी है। बात हम कर रहे हैं छठे चरण में होने वाले महाराजगंज लोकसभा चुनाव के बारे में, जहाँ से भाजपा के प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने आज नामांकन कर दिया है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो कि भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं, महाराजगंज के तत्कालीन सांसद भी हैं, उन्होंने आज नामांकन कर दिया है। वो आज अपने आवास जलालपुर से निकले, खुली वाहन में निकले, अपने समर्थकों के साथ निकले। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल खुली वाहन में अपने समर्थकों को अभिवादन करते हुए जा रहे हैं। लगातार उनके समर्थन में नारे लग रहे हैं। वो सबसे पहले छपरा पहुंचते हैं जहां पर समर्थक उन्हें घेर लेते हैं, फिर वहां पे मोदी के जयकारे लगते हैं, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के जयकारे लगते हैं। इसके बाद वो महाराजगंज निर्वाचन पदाधिकारी के पास जाते हैं, नामांकन करने के लिए जाते हैं। आपको पता है कि महाराजगंज में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का टक्कर राजद के रणधीर सिंह से होने वाला है। आज जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वो लगातार अपने समर्थकों के साथ जा रहे हैं, नामांकन करने के लिए जा रहे हैं और उनके साथ समर्थक उनके जयकारे कर रहे हैं, उनके समर्थन में नारे लगा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाने वाला महाराजगंज में छठे चरण में 12 मई को मतदान होना है, उसको लेकर आज जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने नामांकन भर दिया है और उनका मुकाबला महागठबंधन के राजद के प्रत्याशी रणधीर सिंह से होने वाला है। बहरहाल, देश दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब करें और हर छोटी बड़ी खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए liveCities.in पर जरूर जाएं। धन्यवाद।